हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, अगर आप मार्केट को लर्न करना चाहते हैं, मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने आज से ही एक कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में सेगमेंट स्टार्ट करा है, जिसका पहला पार्ट डाला है हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस एंड व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो प्लीज गाइस उसको जाके जरूर चेक कर लेना, पहली वीडियो है उसमें मेरी आज आपको मिल जाएगी। अगर अभी की बात करें तो एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करूंगा आप सभी के साथ। स्टॉक का नाम है अदानी विलमार एंड अदानी पावर। इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। फ्राइडे के सेशन में दोनों ही स्टॉक में अच्छा मूव आता हुआ दिखा था। लास्ट के आवर में कहीं ना कहीं आपने पूरे अदानी ग्रुप में मूव आता हुआ दिखा अपसाइड का। उससे पहले बात करें तो लास्ट आवर में कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट भी आई थी। स्टॉक्स की बात करें तो अदानी पावर लगभग 5% के पास ऊपर बंद हुआ है। अदानी विलमार भी लगभग सेम टू सेम 4.69% ही तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा है। अब सवाल ये उठता है लोगों के मन में, सवाल एंड होप कि शायद मंडे से अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाए। तो क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा इसके बारे में बात करूंगा। इन सेकंड थिंग कौन से लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए इन स्टॉक्स के लिए। सबसे बड़ी बात, ये स्टॉक ऊपर से काफी करेक्ट हो चुके हैं। हालांकि अदानी पावर उतना करेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो अदानी पावर भी करेक्ट हुआ है। लेकिन अदानी विलमार में काफी बड़ी करेक्शन हो चुकी है। लगभग 878 के स्टॉक के 52 वीक हाई है एंड स्टॉक वहां से 585 रुपीज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर एक महीने की बात करें तो लगभग 15% डाउन है एंड अगर 3 महीने देखें तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी भी आप सभी ने देखी है। अगर हाई से भी देखें हम तो 30% के लगभग स्टॉक डाउन है। अब वहीं अगर मैं अदानी पावर के बारे में बात करूं तो अदानी पावर को मैं देखूं तो लगभग ये स्टॉक 344 के 52 वीक हाई से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका मैं हाई से देखूं स्टॉक में कितनी करेक्शन आ गई है तो लगभग ये स्टॉक आपके लिए 23% डाउन है अभी एंड अदानी विलमार लगभग 30% डाउन है। तो ये तो आपके लिए छोटी सी डिटेल होगी जो शायद आप भी इजीली देख सकते हैं, शायद क्या देख ही लेंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो चार्ट खोलना है, ऐसे चेक करना है, बस सिंपल। लेकिन सवाल ये, क्या ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है? क्या आपको इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए? काफी लोग क्या है इसमें फोमो का शिकार होते हैं ऐसे स्टॉक्स में, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब कहना मैं ये चाहता हूं कि ये स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी देखी, अभी करेक्शन हो गया, दोबारा चलना स्टार्ट होते हैं ना, तो जिसके पास होता है और बेच दिया होता है लॉस में या प्रॉफिट में, उसे लगता है दोबारा मेरे पास मौका है, अब दोबारा चलने के लिए तैयार है, खरीद लो। एंड जिसके पास नहीं है वो सोचता है शायद अब दोबारा वैसी तेजी दिखाएंगे, मुझे पैसा लगाना चाहिए, मेरा पैसा जल्दी और ज्यादा बन सकता है। एंड इसी होप में ना पब्लिक बड़ा पैसा लगाती है इन स्टॉक्स में। क्या ये सही रणनीति है स्टॉक मार्केट में, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो, दोनों स्टॉक में जो वॉल्यूम्स थे ना वो किस कहां थे और कहां आ गए हैं। जब स्टॉक में पहले तेजी चल रही थी तो अदानी पावर में लगभग 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते थे डेली बेस पे। एंड अगर आप फ्राइडे की तेजी में देखो तो 93 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, दैट मींस 1 करोड़ शेयर भी पूरे ट्रेड नहीं हुए, 93 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, ठीक है। चलिए, मतलब हमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इसी के एवरेज के मुकाबले बहुत कम है। अदानी विलमार की बात करूं तो यहां लगभग 1 करोड़ 80 लाख, 90 लाख इस तरीके के वॉल्यूम्स दिखते थे। लेकिन कल के सेशन में यानी फ्राइडे को, मींस की परसों के सेशन में कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं? 10.85 लाख शेयर्स, मात्र 10-11 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, दैट मींस वॉल्यूम बहुत कम है। ये जो तेजी बनी है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक को मैन्युपुलेट किया जा रहा है पूरी तरीके से, मुझे ऐसा फील होता है। मेरा पर्सनल व्यू एंड पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे सेटिस्फाई ना हो और हो सकता है डिसएग्री करें या एग्री करें, वो मुझे नहीं पता, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसलिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं। मुझे लग रहा है इन स्टॉक्स में मैनिपुलेशन चल रहा है, क्योंकि जब स्टॉक में सेलिंग या बाइंग आती है और वन साइडेड गिरता है बढ़ता है तो बड़ी वॉल्यूम्स होते हैं, बड़ी कहीं ना कहीं तेजी आने से पहले बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं। एंड अभी जो है विदाउट वॉल्यूम्स इनमें ट्रेड हो रहा है। मैं अदानी पावर को चेक कर रहा था, लगभग 5.5 लाख क्वांटिटी सेलिंग के लिए पड़ी थी, उसके सामने केवल 5 लाख क्वांटिटी बाइंग के लिए पड़ी थी एंड स्टॉक ऊपर में जा रहा था। तो ये सब चीजें मेरे समझ से बाहर हो जाती हैं। अगर मैं अदानी विलमार के आपको थोड़े से डाटा बताने की कोशिश करूं तो अदानी विलमार में आप लोग जो है पिछले कुछ दिनों में अगर पब्लिक का रुझान देखोगे कैसा रहा है वॉल्यूम एंड प्राइस के डिलीवरी के हिसाब से, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं T2 ट्रेड में चल रहा है। तो इसमें एक तो सबसे बड़ी नेगेटिविटी यही है कि ये T2 ट्रेड में आप अगर आज खरीदते हैं तो 2 दिन से पहले बेच ही नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है लेवल वाइज तो ये काफी अच्छे लेवल्स पे आ गया है, 549-540 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने आपसे कहा भी हूं बेस है स्टॉक का, उसके ऊपर मजबूती है, उसके ऊपर जब तक है एंड उसके नीचे जाके कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव होगा, लेकिन उससे ऊपर कहीं ना कहीं बाय करने के मौके उसके पास मिले तो, एंड
अराउंड अदानी पावर, मैंने आपको 323 से सेलिंग रिकमेंडेशन दी थी 250 के टारगेट के लिए, टारगेट मीट हुए। काफी लोग उस टाइम कह रहे थे भाई आप क्या कह रहे हो, 500 रुपए की तरफ जा रहा है, तो देखिए 250 रुपए पे आया, मीट हुए टारगेट्स। अभी अदानी पावर में दोबारा से तेजी बनने लगी, क्या खरीदने का सही समय? तो कल के सेशन की बात करूं, मीन्स की फ्राइडे के सेशन की, तो लगभग 90 लाख शेयर ट्रेड हुए एंड डिलीवरी परसेंटेज 35% की है। 5 दिन के एवरेज डिलीवरी बात करूं 31%, 30 दिन की 44%। तो डिलीवरी परसेंटेज 30 दिन में तो अच्छी आ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उतनी अच्छी नहीं है। अब मेरा फाइनल व्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये बोलना चाहूंगा कि हो सकता है आप इस स्टॉक से पैसा ना कमा पाओ, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि मत खरीदो। हो सकता है ये स्टॉक ऊपर चली जाए एंड मेरे कहने से आप ना खरीदो एंड आप पैसा ना कमा पाओ, बट मुझे ऐसा लगता है एक आपकी खुद की कहीं ना कहीं सेफ जोन होना चाहिए आपका खुद के लिए, और मुझे लगता है अगर सेफ जोन में जाना है तो इन स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें, काफी वॉलेटाइल हो रहे हैं ये स्टॉक्स। एंड अगर आप खरीदते भी तो अदानी विलमार में 545 का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रखें एंड अदानी पावर में 242 का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रखें। ये इनफैक्ट अदानी पावर में 220 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो काफी दूर हो जाएगा, उससे पहले आप देखना चाहते हो तो 245 के पास, अदरवाइज 220 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये लेवल्स भी मैंने आपको दे दिया एंड अपना व्यू भी दे दिया, होप आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।